हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा, मोदी तोड़ेंगे भारत की राजनीति का रिकॉर्ड, बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री। कहा, आज तक कोई लगातार तीन बार प्रधानमंत्री नहीं बना है। कहा, इंदिरा गांधी में 1977 में हार गई थी, लेकिन G20 का सफल सम्मेलन और अब राम मंदिर के निर्माण के बाद मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने किया महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन। हंसते हुए कहा, घर में सबको रोटी खानी है, कौन मना करेगा। कहा, ये विधेयक सर्वसम्मति से पास होगा। चौटाला ने कहा, अभी इसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान संसद के हाथ में और वही फैसला लेगा। हालांकि इस विधेयक से बड़े बदलाव आएंगे, क्योंकि जब कोई चीज ऊपर से लागू होती है तो नीचे उसका असर जरूर दिखाई देगा। महिला की पावर को उनके पतियों द्वारा प्रयोग करने के सवाल के जवाब में कहा लोकसभा के बाद विधानसभा, नगरपालिका और फिर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को लेकर स्थिति बदलेगी, समाज की धारणा भी बदलेगी। आप जो कुछ रिप्लाई करेंगे सर, आपने उड़ा की बात की कि तीन सीट पे सिमट जाएगी कांग्रेस पार्टी, इसके बारे में देखिए, मैं ये जो मैं कह रहा हूँ उसमें थोड़ा सा सुधार कर लें कि पिछली बार उड़ा साहब को कोई सीट नहीं मिली थी। जब किसी पार्टी का, जब कोई जननायक चलता है, जब उसका एक तरफा मैंडेट हो जाता है तो उसमें सब कुछ छूट जाता है। हमने जो देवलाल के वक्त भी देखा, जेपी मूवमेंट में भी देखा, इसका भी देखा। देखिए, रिकॉर्ड की चीज बता रहा हूँ कि आज तक किसी को भी पार्लियामेंट में इकट्ठे तीन मैंडेट नहीं मिले। इंदिरा गांधी भी 77 में हार गई थी, उसके बाद फिर बन गई 80 में, वो अलग है। मतलब तीन बार कंटिन्यूस देश का प्राइम मिनिस्टर, एक बार जवाहरलाल नेहरू बने थे, उसके बाद आज तक नहीं बने। यूपीए आया, एनडीए आया, दो साल चले, तीन साल चले, डेढ़ साल चले, कोई तीन बार कंटिन्यूस प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। ये नरेंद्र मोदी तीसरी बार बने, ये आज बता रहा हूँ। जो G20 इवेंट हुआ है, इसमें इंटरनेशनली देश की बहुत मजबूती आई है। बहुत लोगों ने देखो, आज कोई कुछ भी कहे, इवन मीडिया ने कहा कि गजब का मामला हुआ था, कोई छोटा आयोजन नहीं था, बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़े एग्रीमेंट साइन हुए। नंबर दो, जब राम मंदिर बनेगा ना, अब आप ये लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा बताऊं। कोई नहीं, हाँ, भगवान राम कितने बड़े थे इसका एक मैं अंदाजा आप लगाओ, और मैं बताऊंगा तो आप रियलाइज करेंगे। देखिए, कोई भी लोहड़े का कम होता जा रहा है, होली का त्यौहार कम होता जा रहा है, मैं किसी धर्म पे नहीं जा रहा हूँ, उनके भी जो हैं वो पहले से कम होते जा रहे हैं। दिवाली का अभी से लोगों ने घरों में रंग रोगन शुरू हो गया, और दशहरे के बाद आप ये समझो कि दशहरे की झांकियाँ निकलेंगी सब शहरों में, दशहरा मनाया जाएगा, 50-50, 20-20 हज़ार के शहर में भीड़ होती है। उसके बाद जब फाइनल इवेंट आता है भगवान राम के जन्मदिन का, तो 10 दिन पहले बाजार में मिठाइयों से सज जाता है। आपने कभी अपने बेटे के लिए, माँ बाप के लिए ऐसा जन्मदिन मनाया तो बताऊँ, और 10 दिन पहले सारे बाजार में मिठाइयों की लग जाएंगी, पटाखों की रेडियां लग जाएंगी, फूलों की मालाएं लटकने लगती है, बाजार ऐसे सज जाता है जैसा उसने पिछले 9 महीनों में नहीं था, उस बाजार में ऐसा सज गया, देखने को दिल करता है। और फिर हर घर में दीप जलाए जाते हैं, हर घर में मिठाइयाँ बनती हैं, आर्मी में तो घर पहुंच जाता है, कॉलेज में तो पहुंच जाता है, सर्विस में तो घर, सबकी हाजिरी उस दिन 100% घर जाती है। कोई खेत में रह रहा है उसके भी लाइट जल रहा है। आप ये समझो कि हजारों साल बाद भी भगवान राम को जब इतना मनाया जाता है तो उससे बड़ा कोई आदमी था ही नहीं। ये मेरी गलत बात है तो बता दो, अच्छी बात है। इतना बड़ा आयोजन मैं आपसे बता रहा हूँ, जिस दिन अयोध्या में, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, पूरन भव्य दिखाई देगा, आपका मीडिया दिखाएगा, घंटे भर से देखेंगे, तो फिर हिंदुस्तान के लोग जैसे सिर्फ कहीं भी बैठा हो, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में। किताब में माना जाता है, फिलहाल निर्दलीय भी बन के आए थे, देश के अंदर जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है उसे किस दृष्टि से देखते हैं, क्या वो भाजपा पर भारी पड़ेगा जिस हिसाब से एकजुट हो रहे हैं, जिस तरह से दावा कर रहे हैं? देखिए, वो कहते हैं वन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, जो पिछला तजर्बा रहा है उसका मैं आपसे बता रहा हूँ। 1970 में इमरजेंसी के एक्सेसिज के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट आई, उसके खिलाफ इंदिरा गांधी का इलेक्शन सेट असाइड हो गया था। एक देश में जेपी ने कॉल दी थी कि आर्मी और ऑफिसर पुलिस के लोगों के सरकार का हुक्म नहीं माने, एमरजेंसी लगी। उसके बाद जो चुनाव हुआ, तीन बड़े लीडर थे, भारतीय जनता पार्टी, लोकदल और कांग्रेस, और सबका मर्जर हो गया था, मर्जर होकर जनता पार्टी बनी। और उसके तीन बड़े नेता थे, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, तीन ही थे, सबके ट्रायल कहते थे। वो 18 महीने में सरकार की बनी थी।
एक बड़ा राउंड ऑफ बहुमत मिला था उत्तर प्रदेश के 85-85 बिहार के तब 56 सीटें होती थी, झारखंड नहीं बना था, और मध्य प्रदेश की 37-42, हरियाणा की 10-10, पंजाब की 13-13, चंडीगढ़ यूपी के अलग, मतलब ऐसा स्वीप हुआ था जो कभी भी ऐसा मैंडेट नहीं हुआ। उसमें 18 महीने बाद वो सरकार थी, उसके बाद 89 में सेकंड एक्सपीरियंस हुआ, जब उसके मेन चीफ आर्किटेक्ट थे देवीलाल, उसमें आपका वीपी सिंह और चंद्रशेखर तीन बड़े नेता थे, चौथा नेता याद है ना 89 वाला सिंह को, और वो 2 साल में टूट गई। अब ये तो 40 की बरात है, अभी ये पता नहीं, कल कमलनाथ का एक स्टेटमेंट आ रहा था कि केजरीवाल ने टिकट बांट दी तो उसे जो पहला इंडिया का जो सम्मेलन होने जा रहा है भोपाल में, कि उन्हें यहाँ क्यों बना रहे, जब उन्होंने टिकट तो उसे बांट दी, फिर इंडिया का तो पार्टी नहीं है, उन्हें कहो पहले कैंडिडेट विदड्रा करें फिर आगे यहाँ बात करें, अभी तो इंडिया टिकटें बांटेगा, मिल के करेंगे 1-1, उसे सब कैंडिडेट खड़े कर दिए। मुझे नहीं लगता कि इंडिया तब तक चल पाएगा, ये जो गठबंधन बनाया है इसमें संकीर्ण सोच के छोटे आदमी जिनका कद अपने स्टेट से बाहर है ही नहीं, तो मैं नहीं मानता कि इनमें कोई वो कर लेगा। कितनी शिकायतें सुनी गई हैं और किस जगह सुनी है? टोटल हमारे पास 16 केसेस थे जी, 15 डिस्पोज कर दिए, एक जो है वो इंक्वायरी पे दे दिया, उसमें हमारे ये मैडम और विधायक जी ये करेंगे, वो भी फाइल ये समझो हफ्ते में कर देंगे, एक मैडम के पास एक केस है, बाकी सब फाइल करेंगे। तो सर दो अभी जो आरक्षण बिल पास हुआ है सर महिलाओं के लिए, उसमें के बारे में क्या? अच्छी बात है, सब लोग करेंगे, मेरे ख्याल में यूनानिमसली पास होगा, घर में रोटी खानी है, कौन मना करेगा सर ने। सर इसमें गाइडलाइन क्या है, अब बीसी होगा या नेक्स्ट? देखिए मुझे लगता है कि अगले में ही आ जाएगा अगले, क्योंकि अब जो पास किया जा रहा है वो अगले लोकसभा विधानसभा के लिए, ये तो इमीडिएट लागू हो जाएगा, जब कोई भी बाई इलेक्शन, इवन पहले कोई बाई इलेक्शन आ गया तो उसमें भी लागू होगा, पर ये डिपेंड करेगा कि लैंग्वेज ड्राफ्टिंग क्या होती है। देखिए अभी पार्लियामेंट डिस्कस करेगी, पार्लियामेंट से बड़ी कोई नहीं है, पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत है, ये सब्जेक्ट उनका है, आपका हमारा ना, आप और हमसे पहले उन्होंने पूछा कि ये बिल ला रहे हैं, ये वो पास करेंगे, आप हमें मीडिया पे दिखा देंगे, हम दिखाएंगे। सर पूरा देश इस बिल का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अतीत में अगर हम छोटी सरकारों की बात करें गांव या वार्डों में, तो चाहे पार्षद महिला चुनी जाती है चाहे सरपंच चुनी जाती है, देखिए उनके प्रतिनिधि आगे आते हैं, यहाँ तक साइन तक उनके प्रतिनिधि करते हैं, तो ऐसा नहीं क्यों लग रहा है कि सरकार अवसर दे रही है, उसके बाद भी चार दीवार में बंद रहेगी? नहीं देखिए, जब कोई चीज ऊपर से शुरू होती है ना तो उसका फॉलो अप नीचे तक आता है, जब लोकसभा में होगी तो विधानसभा आएंगी, फिर म्यूनिसपैलिटीज में आएंगी, पंचायत में भी आएगी, एक परंपरा शुरू होती है तो वो उसे सोसाइटी अपनाती है, तो फिर लोगों की मांग उठती है। ओपिनियन पोल क्या है, इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी में क्या है, ओपिनियन पोल से ही सब चीज होती है, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन तो टोटल कन्वेंशन पे, वहां कोई रिटर्न है ही नहीं। सर जो लोग सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं उसके लिए जो सब्सिडी दी जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो लंबे समय से बंद पड़ी है, उसका पोर्टल है वो बंद पड़ा है, वो शहर में लगवाना चाहते हैं? नहीं दे रहे हैं, देखिए प्राइवेट हाउसेज को नहीं दी जा रही, पर जैसे पंचायतें हैं, पंचायत की धर्मशालाएं हैं, बैकवर्ड की हैं, एससी की है, उसमें हम 75% सब्सिडी दे रहे हैं, जो जनरल की है उसमें हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं, सब जगह दे रहे हैं। सोलर तो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, आपको जानकारी दूं पूरे देश में इस वक्त सोलर पंप जिसे कुसुम योजना कहते हैं हम प्राइम मिनिस्टर की भाषा में, उसमें राजस्थान के बाद हम नंबर 2 पे हैं पूरे देश में, तो बहुत तेजी से आप गांव में देख ही रहे, हर जगह प्लेटें लगी हैं, लोगों ने बहुत तेजी से रहे, पेट्रोल पंप पे आ रहे हैं, जितने आपके मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उन पे सब पे शहर में सर जो दिन में तो वो कह रहे हैं नई पार्टी का आगाज हो सकता है, क्या आपको क्या लगता है? देखिए पॉलिटिकल आदमी है, मेरे से ज्यादा उम्र में बड़े हैं, कुछ ना कुछ निर्णय तो करेंगे, मैं भी देख रहा हूँ, वो भी तब तक कई जगह दाएं बाएं कॉन्टेक्ट कर रहे होंगे कि कहाँ करना चाहिए, उनका अपना निर्णय है, हर आदमी राजनीति की परिभाषा है एक लाइन पे, जहाँ विचारों का विरोधाभास है उसे प्रजातंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र भी कहते हैं, तो अपना जो फैसला करेंगे आप हमें बताएंगे, तो ब्रेकिंग न्यूज आएगी हम देखेंगे। सर 25 सितंबर की रैली है ताऊ देवीलाल के जन्मदिन, आप पहुंचेंगे वहाँ पे? लेकिन मैं हर साल करता हूँ उनके जन्मदिन पे, मेरे घर पे लोगों को बुलाता हूँ, खाने का आयोजन करता हूँ, अपने अपने तरीके याद करने का, अब उसमें मेरे 10-12 हजार आदमी आते हैं, आपको तब वीडियो आएगा, सब टीवी पे सब होगा, टेलीकास्ट होगा,
उन्हें सबको भोजन कराता हूँ उनकी अपने तरीके के तसल दिए, पर वैसे मैं उनकी मैं एक समृद्धि दिवस में एक रैली करना चाहूँगा, समृद्धि दिवस, क्योंकि चो साहब के जन्म का तो डेट तो किसी को है नहीं। मैं कई बार बादल साहब से पूछता था कि बादल साहब हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं कि अभी उनकी 6 महीने पहले डेथ हुई है कि आपकी कितनी उम्र है, तो कहते जी पता नहीं कब पैदा हुई थी, मतलब उन्हें पता ही नहीं था। तो हमारे बाबू जी उनसे 10 साल बड़े थे। मैं मेरे जन्म का जब माँ से पूछ रहा था तो माँ ये कहती थी कि रोड़े 1 साल से 2 साल पहले तुम पैदा हो। अब रोड़ा 47 को कहते हैं जब पार्टीशन हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए, उससे 2 साल पहले, मतलब महीना ही याद नहीं। तो जो देवलाल का जन्म तो 1914 में हुआ था। अब उनको उस वक्त कौन देखता था, मैं स्कूल पढ़ने गया तो हमारा मुख्तार जो था जो फसल फसल देखता था वो मुझे स्कूल छोड़ने गया, मुझे याद है। तो गांधी जी ने 5 साल से पहले नहीं लिखा, बोले 7 साल लिख देना, क्या दिक्कत है, उम्र ऐसे लिखी जाती है। तो कभी ओम प्रकाश जी 1 नवम्बर बनाते थे, याद है ना आपको, 1 नवम्बर का जन्मदिन होता था। अब 25 सितंबर कर दिया, मतलब बैग लेके 5 महीने रह गए। मैं तो समर्पित दिवस में याद करने के लिए बनाऊँगा, फरवरी मनाऊंगा, कह के जा रहा हूँ कि 1 लाख से कम भूल नहीं। सर उचाणा विधानसभा की बात करें तो उड़सी टिप्पण की जा रही है, वहीं वीरेंद्र सिंह का जो परिवार है वो ये कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो चुनाव लड़ेंगे, और प्रेमलता सिंह जो पूर्व विधायक है उसका यह आरोप है कि दुष्यंत चौटाला ने तो काम ही नहीं करवाए, कोई एक लिस्ट हमारे को दे दी काम होगी। देखिए पोलिटिकल आदमी अपने अपने स्टेटमेंट देता है, मैं आपसे बता रहा हूँ दुष्यंत भी लड़ेगा और उनका परिवार भी लड़ेगा, दोनों लड़ेंगे, चुनाव पक्का है, दोनों को लड़ना पड़ेगा, बैकआउट नहीं हो सकता, ये मैं बता रहा हूँ। चौधरी साहब आप ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।